आपको दिखाते हैं नोएडा की कुछ तस्वीरें जहां इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी जबकि 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा की कंपनी में गार्ड को बंधक बनाकर रात में कुछ बदमाशों ने डकैती डाली थी। आपको बता दें कि बदमाशों ने कंपनी से लगभग 17 क्विंटल कॉपर का तार उठाया था जिसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए बताई जा रही थी। बदमाशों की डकैती की सूचना पुलिस को मिली थी जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। इस बीच बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लग गई। फिलहाल बदमाशों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और साथ ही पुलिस की जाँच भी इस मामले में जारी है। नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि 1-2 अप्रैल की रात में इकोटेक 3 की एक कंपनी में कुछ बदमाशों ने डकैती डाली थी और वहां से लगभग 17 क्विंटल कॉपर का तार चुराया था। बताया जा रहा है कि ये बदमाश 2 गाड़ियों में सवार थे। फिलहाल 3 बदमाशों को इस मुठभेड़ में गोली लगी है जबकि 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इन बदमाशों का इलाज फिलहाल जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस अब आगे इस बात की जांच करेगी कि कौन वो है जो इस चोरी के सामान को खरीदता था। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार शर्मा के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन।